अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे अगेन अ न्यू वीकेंड अ न्यू मॉर्निंग। आज फिर मैं एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ असमा को। लेट्स कुक द ब्रेकफास्ट। चले व्यूअर्स, कुकिंग में जो सबसे टफ पार्ट मुझे लगता है वो ये अनियन कटिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मेरी तो जान निकल जाती है। आई डिड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स बैचलर्स के टाइम में, जब हम लोग बैचलर्स रहते थे। वी आर अराउंड 3 फ्रेंड्स इन एन अपार्टमेंट एंड वी लिव टुगेदर। हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी खुद ही बना लेते थे, और लंच वगैरह डिनर वगैरह हम यह है कि अक्सर जो है बाहर से खा लेते थे। बट यह है कि आहिस्ता 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 व्हेन द टाइम स्पेंड थोड़ी सी आदत पड़ गई, फिर हमने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी, लंच डिनर वगैरह बनाना शुरू हो गए। बट इट्स ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, एक बहुत बड़ा गैप आ गया। असमा जो है वो बनाने ही नहीं देती, तो ऐसे ही थोड़ा सा शौक उठा था, मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो लास्ट वीक आपने देखा होगा व्यूअर्स, हमने अंडा घोटाला बनाया था, आज हम चिक पीस बना रहे हैं। आप पीछे कैन देख रहे होंगे, इट्स रेडीमेड शॉर्टकट। सो इंशाल्लाह होपफुली विल इंजॉय। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मेरी प्याज जो है वो पिंक और ब्राउनिश हो रही है, और जैसे ही ये थोड़ी ब्राउन हो जाती है मैं इसमें टोमेटो ऐड करता हूँ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें टमाटर मिक्स कर दिया है। अब थोड़ी देर इसको टमाटर को गलने देंगे, उसके बाद फिर मसाले ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, और अब इसके बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे, थोड़ा सा फाइनल टच अप, एंड दिस इज रेडी टू बी सर्व्ड। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने चने ऐड कर दिए हैं इसमें, और अब उसके बाद फाइनल इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम मिंट कोरिएंडर और चिली से इसका गार्निशिंग करेंगे। मसाले की फाइनल लुक देखते हैं, असमा को मज़ा आता है या नहीं। लास्ट टाइम अंडा घोटाला तो बहुत अच्छा बना था, लेट्स सी, देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हमारी चाय भी बननी शुरू हो गई है, जैसे ही चाय रेडी होती है हम इसको सर्विंग करना स्टार्ट करते हैं। ईमान को मैंने भेजा है ब्रेड लेने के लिए, आज थोड़ा लाइट रखेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेड चना मसाला और चाय, चले एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग तो ऑफिशियली मुबीन ने स्टार्ट कर दिया था, और बहुत ही मज़ेदार सा उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया। थैंक यू मुबीन, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप उठ के इतनी मेरे लिए मेहनत कर लेते हैं और बहुत मज़े का खाना बनाते हैं, और बहुत ही शानदार उन्होंने चना मसाला बनाया था, मैंने बहुत इंजॉय किया। और ये है शाम का टाइम, और इस टाइम पर हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को थोड़ा स्विमिंग पे ले जाते हैं, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडे की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा सा मेरा क्लिप थोड़े दिन पहले का है, उस वक्त इतनी ज़्यादा मौसम जो है ना ठंडा नहीं हुआ था, अब तो थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। अब तो स्विमिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में ही होगी। अब ये कह सकते हैं कि हल्का हल्का जो है ना शाम में वेदर ठंडा हो जाता है, और सुबह का टाइम भी थोड़ा सा कदरे बेहतर है, वरना तो बहुत अफसोस होता है ना, उसके लिहाज से तो बहुत अच्छा हो गया अब मौसम। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि गर्मियाँ जाएँ, हम बच्चों को एक दफ़ा स्विमिंग इंजॉय करवा लें। और बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, मींस उस दिन भी हमने स्विमिंग कर ली, बहुत बड़ी बात हो गई। तो देखें अब इतने लोग भी नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब वेदर ठंडा हो रहा है तो लोग अब स्विमिंग की तरफ कम, और साइकिलिंग और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा आ गए। यहाँ पे ऐसे ही होता है, समर में ज़्यादातर रुझान जो है वो वाटर पार्क्स का और स्विमिंग का, इस तरह का होता है, और सर्दियों में जो है वो बारबेक्यूइंग और साइकिलिंग, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बस बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं स्विमिंग एक्टिविटीज़ को, मिन्हा को ही देख लें आप, बहुत मज़ा आता है बच्चों को, तो मतलब 1 आवर 2 आवर्स पता भी नहीं चलते, और घर आने का भी दिल नहीं चाहता उनका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग की एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और जिसमें हमें ये स्विमिंग फैसिलिटी भी है एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत अच्छा और बहुत वेल मेंटेन्ड एरिया। देखें कितना ज़बरदस्त ओपन पूरा एरिया, और यहाँ पर आप वॉक करें, बच्चे साइकिलिंग करें, ये जस्ट आप आके रिलैक्स करें, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। इस तरीके से जिम भी मैंने आपको दिखाया है कि बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा है, और ये देखें बच्चों का पूल अलग है और बड़ों का पूल अलग है। बड़ों का पूल भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, यानी देखें ईमान भी आराम से खड़ी नहीं है उसमें, तो बहुत ही ज़बरदस्त पूल है। और ईमान ने यहीं पर ही कितनी हद तक माशाल्लाह से स्विमिंग सीख ली है, यहाँ पे इसी पूल में आके ख़ुद से सीख ली माशाल्लाह से। ईमान माशाल्लाह हमारी बहुत जल्दी पिकअप करती हैं, और बहुत उनकी लर्निंग बहुत अच्छी है।
तो बस इस तरीके से हम लोगों ने स्विमिंग वगैरह एंजॉय करी, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में ही हम स्विमिंग एंजॉय करेंगे। उसके बाद हमें पाकिस्तानी सुपर मार्केट भी जाना था मैंने शाम में, क्योंकि मेरा एवरीडे वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रहा था, तो वो मुझे लेना था, क्योंकि सारे ही काम वीकेंड के लिए पेंडिंग होते हैं, उठा के रखे हुए होते हैं कि वीकेंड आएगा तो फिर जाएंगे और काम भी निपटाएंगे, और कुछ बच्चों का भी टाइम होता है कि बच्चे भी कुछ अपना फ़न टाइम स्पेंड करें, तो बस मुझे वहाँ जाना था। मुबीन को कार वॉश भी करवाना था, तो बस स्विमिंग से फारिग हुए, बच्चों को हम लोगों ने शावर दिया है, और उसके बाद चेंज करके चाय वाय पी के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने, फिर हम बाकी कामों से निकले। तो जी जनाब, ये है रात का टाइम, और हमने सोचा कि पहले हम कार वॉश करवा लें, उसके बाद फिर हम पाकिस्तानी सुपरमार्केट जाएंगे। तो मुबीन ने कहा कि चले हम ऑटोमेटिक कार वॉश करवाते हैं, बच्चे उसको बहुत इंजॉय करते हैं, पूरा जो एक प्रोसीजर होता है ना कार वॉश का, वो बच्चों के लिए बहुत ही इंटरटेनिंग होता है। अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी, आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा कि कितना यूनिक सा और बहुत ही इंटरटेनिंग सा ये एक पूरा ट्रिप होता है। आई थिंक 1 या 2 मिनट में पूरी ही आपकी कार अच्छे से वॉश हो जाती है। अभी देखिएगा आप, इंजॉय करें आप। तो जी व्यूवर्स, इस तरीके से हमारी कार वॉश हुई, और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये पूरा प्रोसीजर देख के। ये इसका एक लास्ट सेशन होता है जिसमें वैक्यूमिंग होती है, और उसके बाद फिर हम आगे जाके जो वहाँ पे ये वर्कर्स होते हैं वो भी गाड़ी को अच्छे तरीके से बिल्कुल ड्राई करते हैं और पूरी तरीके से इसको क्लीन कर देते हैं। तो बस अच्छे तरीके से अपनी कार वॉश करवाते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो जी जनाब, कार हमारी अच्छे से वॉश हो गई, उसके बाद हम लोग पाकिस्तानी सुपरमार्केट के लिए गए, और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मैं एवरी मंथ जाती हूँ और पूरी मंथली की चीज़ें होती हैं वो मैं ले आती हूँ, मेरे जो भी मेरी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, स्पेशली एवरीडे, क्योंकि मुबीन को भी एवरीडे की चाय पसंद है और हम दिन में एक ही कप पीते हैं तो हम एवरीडे की ही पीते हैं। देखिए जी, ये मेरा तो ज़रूरी होता है। अब देखें, लोगों ने इसका साइज़ छोटा कर दिया है, और कुछ बिस्किट्स वगैरह, केक रस्क ईमान के लिए लेती हूँ मैं यहाँ से, ब्राउन अनियन ले ली, फ्राइड अनियन, और बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेसिफ़िकली जो यहाँ से मिलती हैं और वही लेने मैं यहाँ जाती हूँ, और निम्को ब्रांड की चीज़ें भी मुझे बहुत पसंद हैं जिसमें कचौरियाँ मैं उठा लेती हूँ, और कुछ कैनन्स का जो है मुगलाई चिकन वो ज़रूर लेती हूँ मैं, ये देखेंगे मुगलाई टिक्का है ये, बस ये सामान लेके। और हाँ, मुबीन को भिंडी बहुत पसंद है, ये भिंडी और अरवी, ये दो सब्जियां तो यहाँ से मस्ट हैं। तो बस ये सामान ले लिया मैंने यहाँ से, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग एक्साइटिंग वीडियोस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।